नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक रूप से शांति है। सत्ता पक्ष और मुख्य प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के बीच में कोई चकचक नजर नहीं आ रही है। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और बसपा यानी विपक्ष के दो दलों के नेताओं के बीच में एक नई सियासत शुरू हुई है, एक नए तरह की गर्मी शुरू हुई है। दरअसल बात शुरू हुई अखिलेश यादव के एक बयान से। हम सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी सत्ता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाई। 2022 के चुनाव उसके लिए अहम थे, उसके लिए महत्वपूर्ण थे, उसकी लड़ाई मजबूत थी, लेकिन आखिरकार वो चुनाव नहीं जीत पाए और इसकी कसर अखिलेश यादव के बयानों में बार बार दिखाई देती है। अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में ये कह दिया कि मायावती राष्ट्रपति हो सकती हैं, एक इस तरह की संभावना उन्होंने जता दी। बस यही बात मायावती को चुभ गई और इसके बाद मायावती ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बयान के साथ मीडिया के सामने आई और उन्होंने अखिलेश के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। विधानसभा चुनाव में BSP को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व BJP ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण BJP फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब UP में खासकर कमजोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। बहरहाल मायावती ने यह कह दिया कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती हैं वो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ा नहीं है, ये भी बताया उन्होंने, और वो कैसे बन सकती हैं ये भी उन्होंने बताया। इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वह अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी BSP में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग BSP की मुखिया को पुणे यहाँ UP का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर BSP से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का PM बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि मायावती की राजनीति अब ढलान पर है, लेकिन मायावती ने खुद को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दावेदार भी बताया है। वो सपने देख रही हैं, वो बता रही हैं कि अगर समाज के इन वर्गों का समर्थन उनको हासिल हो गया तो वो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन सकती है और प्रधानमंत्री भी बन सकती है, और वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती है ऐसा भी उन्होंने कहा है। मायावती का राजनीतिक भविष्य चाहे जो हो, लेकिन उनका अतीत बहुत ही बेहतर रहा है। मायावती उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनेता के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने न केवल अपने सांगठनिक क्षमता की वजह से प्रदेश में चार चार बार मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासत को एक नया रंग दिया। माना यह जाता है कि उन्होंने अपने सामाजिक समीकरणों के बदौलत उत्तर प्रदेश में सियासत को एक नई दिशा दी, एक नया समीकरण बनाया। बसपा ने जमीन पर बहुत सारे संघर्ष किए और इसकी वजह से बसपा की राजनीति आगे बढ़ती रही, लेकिन जिस तरह से मायावती अब
कमरों में सीमित हो गई हैं, अब घर में बैठ गई हैं और जिस तरह से ट्वीट के जरिए वो अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं और जिस तरह से चुनाव में उनकी सक्रियता जिस तरह से कम दिखाई दी उसकी वजह से उनकी राजनीति को माना यह जा रहा है कि अब वो ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह पाएंगी। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने जिस तरह की बातें की हैं और जिस तरह के सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी तरह का गठजोड़ था, इसको बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान भी शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने आपस में मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल गई। जबकि चुनावी आकलन कहते हैं और अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल रिपोर्ट आया था सामने, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बसपा ने अपनी चुनावी बिसात इस तरह से नहीं बिछाई होती तो कामयाबी शायद नहीं मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 122 सीटों पर जिन जातियों के उम्मीदवार उतारे थे, बसपा ने उन्हीं जातियों के उम्मीदवार उतार दिए और माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और इसका लाभ भाजपा को मिला। बावजूद इसके मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गठबंधन था, तो ये एक अलग तरह का राजनीतिक बयान है, इसको राजनीति के चश्मे से ही देखा जा सकता है। जमीन की हकीकत ये नहीं है, ये हम और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसके अलावा जहां तक मुस्लिम वोटरों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 91 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उन 91 उम्मीदवारों के मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने मायावती ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। मायावती की ये चाल भी भारतीय जनता पार्टी को सूट कर गई और इसकी वजह से ढेर सारे मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत नहीं पाए। तो एक तरह से जो नजरिया बना है, जो उत्तर प्रदेश में एक आकलन सामने आया है, वो ये कि बसपा ने जो राजनीति की, बसपा ने जो चुनावी दाव खेला, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है और इसी की वजह से माना जाता है कि बसपा ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया चुनाव में। और यही बात जब बार बार अलग अलग मंचों पर राजनीतिक विश्लेषक या समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं तो बसपा के लोग इसका विरोध करते हैं, बसपा की नेता को ये बात बुरी लगती है और अभी मीडिया के सामने आकर उन्होंने इसी का एक विरोध जताया और कल न केवल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि आज उन्होंने इसी बारे में अखिलेश यादव को लेकर 3-3 ट्वीट किए हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में चल रही ये खींचतान किसी तरह के राजनीतिक संकेत देगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अभी परिषद के चुनाव खत्म हुए हैं लेकिन जो बड़ा चुनाव है वो लोकसभा के उपचुनाव है और उसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव ने छोड़ी है, उसी तरह से रामपुर सीट आजम खान ने छोड़ी है और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना सिक्का मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि इन चुनावों से एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अभी आगे और मजबूती हासिल कर रही है और इसीलिए लोकसभा के उपचुनाव पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, विशेषज्ञों की नजरें लगी हुई हैं। हालांकि इस वक्त अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की सुस्ती दिखा रहे हैं, उससे उनके बारे में संदेश अच्छे नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेकर धारणा बदल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको एक बड़ा जनादेश मिला है, एक बड़ा बहुमत मिला है, देखा जाए तो उनको इतनी ज्यादा सीटें मिली है, इतनी ज्यादा ताकत मिली है कि वो माना यह जा रहा है कि प्रदेश की जनता ने उनको एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वो मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका बना पा रहे हैं, ये सवाल है। इस सवाल पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अखिलेश यादव इस वक्त किस तरह की परिस्थितियों में फंसे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, उनको लेकर एक दूसरे तरह की तकरार चल रही है। शिवपाल यादव बार बार ये कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, तो अखिलेश यादव उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके चाचा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो अब खुले तौर पर मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि उनके चाचा को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, क्यों देरी कर रही है। तो इस तरह के सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तनातनी की खबरें हैं।
शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, उसके विधायक के तौर पर जीत कर आए हैं, लेकिन उनको पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच मायावती के साथ अखिलेश यादव का टकराव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया रंग है, और इस रंग के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं, आपके पास भी कोई जानकारी हो या आपका कुछ आकलन हो, तो आकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और एक बात और साथियों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप अगर ये वीडियो अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो आपको एक नया बटन दिखाई देगा, लाइक डिसलाइक शेयर के अलावा आपको एक बटन दिखाई देगा थैंक्स। अगर आप हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो अब आपके सामने एक विकल्प है। आप अपने विकल्प चुनिए, आप अपनी क्षमता के हिसाब से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और इसके साथ ही मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए अब इस दायरे को और आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।